Hello viewers, welcome back to my channel. Sorry for being such a long gap. So मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया. तो चलिए आज हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो सीधा हम रेसिपी में चले जाते हैं. सो आज हम बनाने वाले हैं चिली वेज मंचूरियन. तो मेरे चैनल पर मैं एक वेज मंचूरियन का रेसिपी डाला हुआ है. बट सो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है. सो मैं थोड़ा इंस्टेंट वे में मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इस रेसिपी में. तो चलिए शुरू कर लेते हैं. सो पहले अब हम एक बोल लेंगे. सबसे पहले हम मैं इसमें डालूंगी कैरेट. सो आपका सब्जी जितना छोटा छोटा टुकड़ों में काटा हुआ उतना ही अच्छा होगा. अब हम डालेंगे कैबेज. सो विंटर सीजन का एक ही अच्छा. सब हम डालेंगे टोमेटो, स्प्रिंग अनियंस, शिमला मिर्च, ग्रीन चिलीज. अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ, ग्रेट कर लेंगे अदरक को. अब हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर. चलिए इसको अब हम अच्छी तरह से थोड़ा सा मिला लेते हैं सारे सब्जियों को. सो अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार. सब हम डालेंगे थोड़ा सा खट्टा स्वाद देने के लिए अमचूर पाउडर. से आप अवॉइड कर सकते हैं या ऑप्शनल. अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती. चलिए अब सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला लेते हैं. अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए. अब उतना ही डालिए जितना आपको जरूरत है बाइंडिंग जब तक अच्छी तरह से ना हो जाए. चलिए देखते हैं. सब चाहे तो इसमें बेसन भी मिला सकते हैं. अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदे से भी आप इसको बना सकते हो. सो ये बहुत ही पुराना रेसिपी है. आप अपने हिसाब से आप इसको बनाएं, आपके कोई दिक्कत नहीं है. चलिए मुझे लगता है थोड़ा सा और लगेगा. अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी. लीजिए थोड़ा सा पानी मिलाएगा हम.
तो लीजिए हमारा मंचूरियन बॉल्स फ्राई होने के लिए तैयार है। सो सभी बॉल, हालांकि अभी बॉल नहीं बना है, सो बॉल अभी बन जाएगा। तो चलिए अब हम ऑयल को हीट कर लेते हैं। तो लीजिए मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। सो मैं यहाँ पर राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप व्हाइट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मंचूरियन मिक्सचर हमने बनाया था, छोटे छोटे बॉल बनाए थे, अब के हिसाब से बड़ा भी बना सकते हैं। सुने दीजिए ऐसे करके डालते जाएंगे जब तक हमारा कढ़ाई में जगह है। नए बॉल हम बना के उसमें डालेंगे। हम इसको कुक करेंगे जब तक दोनों साइड में कलर ना आ जाए। तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आपको बता देंगे। आप देख सकते हैं मैंने दूसरी तरफ इसको पलट दिया है। सब इसको थोड़ा सा लो फ्लेम में कुक कीजिए, क्योंकि सारा सब्जी को बॉयल होना जरूरी है, ठीक है ना। सब और भी थोड़ा छोटा साइज में अगर सब्जी काटते तो इससे जो मेरा टाइम लग रहा है उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सो दूसरे साइड भी पकने दीजिए। सो आप देख सकते हैं हमारा मंचूरियन दोनों टाइप साइड से पक चुका है। देखिए लेट हो चुका है। सो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारा दूसरे बैच भी फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। सो मैंने सेम कढ़ाई ले लिया है, तो आप देख सकते हैं मैं तेल थोड़ा सा रिड्यूस कर चुकी हूँ, क्योंकि हमें इतना सारा तेल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैं थोड़ा सा ऑयल यूज कर रही हूँ। सो नियरली 1 टेबल स्पून के करीबन ऑयल हमने ऑयल में पैन में रखा हुआ है। तो चलिए अब हम पहले इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन के कलियां। सो मैंने यहाँ पर 6 लहसुन के कलियां यूज कर रही हूँ। ज्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाए तो मैं आप हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तो आप देख सकते हैं हमारा लहसुन में थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है ना। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। डायरेक्ट ऑयल में हम डाल देंगे। अब हम डालेंगे रेड चिली सॉस, ये थोड़ा सा ज़्यादा। अब ग्रीन चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते, तो मैं डायरेक्ट बोतल से ही डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर करीबन 6 टेबल स्पून के करीबन डाला है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटो केचप। चलिए डाल देते हैं। ये आप जितना आपका मर्जी आप डाल सकते हैं।
आपका फेम लो होना चाहिए। सॉस को मिला लेते हैं अच्छी तरफ से। सो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मटर, ग्रीन पीस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सो ये ऑप्शनल है तो क्योंकि विंटर का मौसम है बहुत सारे सब्जी मिल जाता है तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया है इसको। थोड़ी देर इसको कुक करेंगे, पानी देने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा और थिक करना चाहते हैं सॉस को तो थोड़ा सा पतला, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। सो लीजिए हमारे सॉस में बबल आना शुरू कर दिया, तो अब हम उसको इसमें जो मंचूरियन बॉल्स हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। सो हालांकि ये बॉल जैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको सैलो फ्राई किया है। आप अगर डीप फ्राई करेंगे सो अब तक इसको बॉल शेप दे सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बॉल शेप देती इसको तो सैलो फ्राई में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता। सो मैंने इसे एक शेप में बनाया। सो जैसे पकौड़े होते हैं उसी से हमने बनाया है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। सो अब हम हमारा चिली मंचूरियन तैयार है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके हम फ्लेम पर स्प्रिंग ऑनियंस डाल देंगे। सो लीजिए हमारा मंचूरियन वेज मंचूरियन बिल्कुल तैयार है। सो मैं इसको सर्व करती हूँ। सो लीजिए मेरा वेज मंचूरियन बिल्कुल तैयार है, चिली वेज मंचूरियन। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस रेसिपी। अगर आपको अच्छा लगा ये रेसिपी तो मुझे बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के और चाहने वालों के साथ, और बिल्कुल लाइक भी दीजिए, इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सी यू नेक्स्ट टाइम।